नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भारत के बैंकों का पैसा लेकर विदेश भागने वाला विजय माल्या को आज बड़ा झटका लगा है। कारोबारी विजय माल्या को लंदन की अदालत ने भारत वापस भेजने का फैसला सुनाया है। माल्या पर 9000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोप में लंबित है। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट की चीफ मजिस्ट्रेट जज एमा अर्बथनॉट ने अपने आदेश में कहा है कि भारतीय जांच एजेंसियों की सीबीआई और ईडी द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए माल्या को भारत भेजा जा सकता है। इसके बाद जज ने माल्या प्रत्यर्पण मामले को विदेश मंत्री के पास भेज दिया। आज का यह फैसला भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं माल्या ने अपने आप को चोर कहने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय बैंकों का मूलधन वापस करने को तैयार हूं और यह प्रस्ताव फर्जी नहीं है। माल्या ने कहा है कि उनकी कानूनी टीम अदालत के आदेश का अध्ययन करेगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए कदम उठाएगी। मगर कर्नाटक हाई कोर्ट को दिए सेटलमेंट प्रस्ताव के बारे में माल्या ने कहा कि अदालत से आग्रह किया है कि यदि सेटलमेंट किया जाता है तो सबसे पहले किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाए। लंदन की मजिस्ट्रेट कोर्ट में माल्या के प्रत्यर्पण के मामले से जुड़ी सुनवाई पिछले 4 दिसंबर को शुरू हुई थी। इसमें कई सुनवाई हुई और सीबीआई एवं परिवर्तन निदेशालय ने कई सबूत पेश किए हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।